यार आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा, आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट से 7-8% का इंटरेस्ट बहुत इजीली कमा सकते हो। बस आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में एक स्वीप फैसिलिटी सेट करवानी है। आपका जो सेविंग्स अकाउंट का पैसा है वो ऑटोमेटिकली एफडी में शिफ्ट हो जाएगा एंड बाद में यू कैन स्टार्ट अर्निंग दैट एफडी इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट दिस स्टोरी इज जस्ट 50% ट्रू? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बताई नहीं जाती है। What if वो स्वीप फैसिलिटी लगवा कर आपको जो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक्चुअली इंटरेस्ट से कम मिल रहा हो? शॉक लगा ना? या जैसा कि आपको पता होगा, एफडी का इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम की एफडी करवा रहे हो, क्या टेन्योर है आपकी एफडी का। जनरली जो आपका एफडी का टेन्योर है अगर वो ज्यादा होता है तो आपको बेटर रेट मिल जाता है। बट इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी में आपको एफडी किस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलता है? इस केस में जनरली जो बैंक्स होते हैं वे आपको एक साल के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बताते हैं, आपकी एफडी को करवाते हैं। और कुछ बैंक्स आपको ऑप्शन भी देते हैं टेन्योर चूज करने का, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो आपको ये टेन्योर चूज करने का मौका नहीं देते, उसमें ये टेन्योर फिक्स रहता है। बट वॉट इफ आपका जो ये ऑटो स्वीप होके पैसा डायरेक्टली एफडी में जा रहा है, वॉट इफ आपको एक साल पहले उस पैसे की जरूरत पड़ जाए, यानी कि जो आपका पैसा स्वीप आउट हुआ है वो एक साल से पहले ही स्वीप इन हो जाए। इस केस में कुछ बैंक्स हैं जो आपको इस पे पेनल्टी चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो आपको पेनल्टी चार्ज नहीं करते। बट इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कुछ बकेट्स में बैंक्स में एफडी का जो रेट है वो सेविंग्स रेट से भी कम होता है। जैसे कि आईडीएफसी के केस में अगर हम ले लें, उसका जो सेविंग रेट है दैट वेरीज फ्रॉम 4-6%। लेकिन अगर आप उसका एफडी का रेट कुछ कुछ बकेट में देखेंगे तो दैट गोज इवन लेस दैन 4%। तो इस केस में अगर आप ऑटो स्वीप फैसिलिटीज को ऑप्ट करते हैं और 29 डे से पहले आप पैसा निकाल देते हैं तो आपको इस फैसिलिटी से नुकसान भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं SBI की ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में, देखते हैं कि आखिरकार SBI की जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी है वो है कैसी। SBI में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को कहते हैं MODS, यानी कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। सबसे पहले देखते हैं कि SBI में इस फैसिलिटी को लेने का क्राइटेरिया क्या है। देखिए, SBI किसी को ये बात बताता नहीं है, बट ये फैसिलिटी कोई भी अवेल कर सकता है। आपका बस SBI में कोई सेविंग्स या करंट अकाउंट होना चाहिए। आप इस फैसिलिटी को ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी एक्टिवेट करवा सकते हो। SBI में इस टाइम पे सेविंग्स रेट है 2.75% के आसपास एंड जो उसका एफडी रेट है वो है मोर देन 2.75% इन ऑल दी बकेट्स। सो देख के तो ये लग रहा है कि इस फैसिलिटी को लेने का सेंस बनता है। इस फैसिलिटी में आप 1000 के मल्टीपल्स में पैसा स्वीप इन या स्वीप आउट करा सकते हो, विच इज गुड। आपको छोटे अमाउंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। स्वीप आउट का मतलब है आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट से एफडी में मूव हो जाएगा एंड स्वीप इन का मतलब है आपका पैसा एफडी से वापस सेविंग्स अकाउंट में वापस आ जाएगा। एसबीआई की इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी की थ्रेशोल्ड इज 35,000 एंड आपको मिनिमम 10,000 का अमाउंट का एफडी करवाना ही पड़ेगा इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस 35,000 क्रॉस करेगा, दिस मीन्स कि आप अभी थ्रेशोल्ड लिमिट पे पहुंच चुके हैं एंड आपकी फर्स्ट एफडी बनने की तैयारी हो जाएगी। जैसे ही आपका अकाउंट बैलेंस 45,000 पहुंचेगा, इमीडिएटली आपकी 10,000 की एफडी बन जाएगी एंड 10,000 रुपए एफडी में जाने के बाद आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा वापस 35,000। जब ये 35,000 36,000 हो जाएगा, आपकी ऑटोमेटिकली 1,000 की एफडी और स्वीप आउट हो जाएगी एंड ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। SBI आपको एफडी का टाइम चूज करने का मौका देता है, टेन्योर चूज करने का मौका देता है। आप एक साल से लेकर 5 साल तक कोई भी टाइम चूज कर सकते हो। बट SBI की इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी का एक मेजर डाउनसाइड है। अगर आपको अपने जो पैसे हैं उसको स्वीप इन कराना है, यानी कि आपको अपनी एफडी अगर ब्रेक करवानी है, तो उसके लिए आपको SBI पेनल्टी चार्ज करेगा। अगर आप 7 दिन से पहले ही आपका पैसा स्वीप इन कर लेते हो तो आपको इस पे 0 इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका टोटल एफडी अमाउंट 5 लाख से कम है तो इस पे आपको 0.5% की पेनल्टी लगेगी। इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। सपोज आपने अपनी सारी स्वीप इन एफडीज का टेन्योर 1 साल चूज किया हुआ है, तो अगर आपको कोई भी एफडी 1 साल से पहले ब्रेक कराएंगे तो आपको उस पैसे पे एफडी से 0.5% कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस चार्ट के हिसाब से अगर आप अपनी एफडी 190 डेज के बाद ब्रेक करते हैं तो आपको 4.4% माइनस 0.5% यानी कि सिर्फ 3.9% का इंटरेस्ट मिलेगा उतने पैसे पे। अगर आपका इन स्वीप इन एफडीज में 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर आप इन स्वीप इन एफडीज में 5 लाख का जो अमाउंट, उससे ज्यादा अमाउंट है, आप 40 दिन से पहले निकाल लेते हैं तो आपको 2.9% माइनस 1% यानी कि सिर्फ 1.9% का इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज लेस देन द सेविंग्स इंटरेस्ट एज वेल।
सो SBI की जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी है वो सारे केसेस में बेनिफिशियल नहीं है, आपको इसको थोड़ा देख के यूज करना होगा। बट इस पूरे डिस्कशन में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं, विच इज टैक्सेशन। देखिए, सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट इनकम में आपको 10,000 तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80TTA, बट FD में आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। FD में आपको आपकी नॉर्मल इनकम पे जैसा ही टैक्स लगता है, विच कैन बी 10%, 20% और 30%। तो ये टैक्स वाला कॉम्पोनेंट एड करके हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सो अगर आप 20% वाले टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और अगर आप 179 डेज से पहले अपनी FD के पैसे को निकालते हैं, तो आपको 3.9% माइनस 0.5%, विच इज 3.4% का इंटरेस्ट मिलेगा। उस पे अब आपका 20% का टैक्स भी लगेगा, जिससे आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 2.72%, विच इज लेस देन देयर सेविंग्स रेट। तो 100 बातों की एक बात यह है कि अगर आपको ये SBI की ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेनी है, ऑप्ट करना है, सो आपको बहुत सोच समझ के ऑप्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं। एंड ओनली टेक दिस इफ यू प्लान टू कीप योर मनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट दिस फैसिलिटी। टिल देन, बी केफायर।